वेलकम स्टूडेंट्स, अभी जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाय नॉर्मल से रिलेटेड, जो कि टॉपिक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री का। और ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस में कंसीडर होता है, क्योंकि जब तक हमें इनकी डेफिनेशंस नहीं आएंगी हमारे लिए टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसको देखते हैं कि बाय नॉर्मल होता क्या है और ये हमारे पास किस तरह से इसका रिलेशन है बिटवीन टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। इनके साथ इसका क्या रिलेशनशिप है इसको हम डिस्कस करते हैं। लेट पी बी अ पॉइंट ऑन ए कर्व नॉर्मल एट पी। पी जो है वो हमारे पास कोई भी पॉइंट है किस पे, किसी भी कर्व पे, अगर हम उस पे नॉर्मल ड्रा करें। फॉर सपोज अगर आप इसको रफली जो है वो देखना चाहें तो हम यहाँ पे इसको ड्रा कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे, हमारे पास एक कर्व है और पी कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट पी है। नॉर्मल एट पी, अगर हम इस पे नॉर्मल की बात करें तो वो डेफिनेटली कुछ यहाँ पे आएगा। टू द ऑस्कुलेटिंग प्लेन, इस ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, इस कॉल्ड बाय नॉर्मल एट पी। जब हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन की बात करेंगे तो पॉइंट पी पे जो भी हम नॉर्मल ड्रा करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, बाय नॉर्मल कहलाएगा, बाय नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको यूनिट बाय नॉर्मल भी कहते हैं। बेसिकली ये कुछ इस तरह से नहीं होता, इसको अगर आप देखें तीनों के दरमियान रिलेशनशिप को अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये अगर हमारे पास कोई भी कर्व है, ठीक है, ये कर्व आ गई और यहाँ पे जो है वो हमने ये टेंजेंट ड्रा किया, ये बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल है। ये अगर आप कंसिडर करें ये बिल्कुल इसके ऊपर है, इसके ऊपर यहाँ पे करके, ठीक है, जिस तरह हम थ्री एक्सिस नहीं ड्रा करते हैं, एक्स वाई और जी एक्सिस, ये कुछ इस फॉर्म में है कि एक तो हमारे पास यहाँ पे ये टेंजेंट आ गया, दूसरा हमारे पास यहाँ पे है और तीसरा कोई यहाँ पे है, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये जो थर्ड वन होगा ना इसको हम बाय नॉर्मल कहेंगे। आपको पता है ये अगर पॉइंट पी है, अगर आप यहाँ पे कंसिडर करते हैं, अगर ये पॉइंट पी है तो ये तो टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया। ये जो थर्ड वन यहाँ पे आएगा, थ्री एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं ना, उसी फॉर्म में आपने कंसिडर करना है। कोई अगर आप बोर्ड मार्कर वगैरह लें जो बिल्कुल इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर रखें, ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऐसे करके ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो वो बाय नॉर्मल है, ठीक है। आपने नॉर्मल और बाय नॉर्मल में कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने आपको थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस की एग्जांपल देके यहाँ पे जो है वो बताया कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, तो आपको पता है ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसको अगर आप टेंजेंट कंसिडर करें, इसको नॉर्मल कंसिडर करें, तो जो थर्ड एक्सिस आपके पास आएगा वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है। जो थर्ड एक्सिस आएगा वो क्या होगा, वो बाय नॉर्मल होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, आपने इन डेफिनेशंस में कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। और इसको यूनिट बाय नॉर्मल भी कहते हैं। और ये यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, हम इसको बी से डिनोट करते हैं, और बी से हम इसको डिनोट करते हैं। और अगर आप इन तीनों फैक्टर्स को जो है वो सर्कुलर मोशन में देखें, ताकि हम इसकी जो है वो पोजीशंस को देख सकें कि क्लॉकवाइज किस तरह से और एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे जो है ये हमने एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे बनाए हैं। बी पहले बाय नॉर्मल आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर एन आ रहा है, या फिर पहले एन आ रहा है, फिर बी और फिर टी। यहाँ पे देखें, जब हम T और N का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, T और N का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर हैं। अभी हमने डिस्कस किया टेंजेंट और नॉर्मल और बाय नॉर्मल आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इन तीनों में से किसी का भी जब हम आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पता है कि उनके दरमियान एंगल जो है ये हमारे पास होता है T की मैग्नीट्यूड N की मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा आ जाता है। और ये जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनके दरमियान जो हमारे पास एंगल होगा वो पाई बाय टू होगा, पाई बाय टू ज़ीरो हो जाता है, ये दोनों हमारे पास स्केलर्स हैं, तो जब ये ज़ीरो हो गया तो ये ओवरऑल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमारे पास जब भी आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा,
ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। लेकिन जब हम इनके क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे अगर, तो ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज होगा तो इनके साइन के साथ माइनस नहीं आएगा। अगर ये क्लॉकवाइज होगा, अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो इनके साइन के साथ क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ठीक है, आपको पता है कि एंगल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो पॉजिटिव रहता है, और अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज लेते हैं, सॉरी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, जब हमने टी क्रॉस एन किया, यहाँ पे टी है और यहाँ पे ही एन है, नेक्स्ट में आ रहा है ना, काउंटर क्लॉकवाइज है, तो जो थर्ड वाला रह जाता है ये हमारे पास बी के इक्वल आ जाता है। सेम इसी पैटर्न पे जब हम एन और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमारे पास एन क्रॉस बी, ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, ये हमारे पास थर्ड वाला जो कि टी है इसके इक्वल आ जाता है। लेकिन अगर हम एन क्रॉस टी लेते हैं, एन हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज में जा रहा है लेकिन हम उसका पिछले वाले के साथ ले रहे हैं, हम उसके रिवर्स से चल रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव करने लग गए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाता है। तो इसी तरह से सारी रोटेशंस आप देख सकते हैं इसकी। ये देखें, अगर आप इस फिगर में भी इसको देख सकें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये चीज़ हमारे पास, ये वाला हमारे पास पॉइंट P है और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर N है, और यहाँ से गुजरने वाला ये टेंजेंट T है और इसके बिल्कुल ऊपर करके हमारे पास एक B गुजर रहा है, ठीक है, और यही क्या होता है, ये बायनॉर्मल होता है। आपने इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब इसके साथ साथ हम एक और डेफिनेशन करने जा रहे हैं टॉर्जन की डेफिनेशन। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं सैरट फेरनेट फार्मूलाई को, ठीक है, हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड फार्मूले की तरफ मूव करने से पहले हमें ये दो डेफिनेशंस आनी चाहिए थी, क्योंकि इन दोनों का जो है वो इसमें यूज़ है, इसलिए हम पहले डेफिनेशंस देख रहे हैं फिर उसके बाद हम इसके रिजल्ट और प्रूफ की तरफ मूव करेंगे। टॉर्जन क्या होता है, टॉर्जन अगर आप देखें, द टॉर्जन ऑफ ए कर्व एट अ पॉइंट इज़ द आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द बायनॉर्मल। जैसे जैसे हमारे पास आर्क चेंज होती है वैसे वैसे बायनॉर्मल चेंज होता है, उसको हम टॉ से डिनोट करते हैं। आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द बायनॉर्मल, जैसे जैसे बायनॉर्मल आर्क चेंज होगी वैसे वैसे बायनॉर्मल और आर्क के दरमियान जो भी रिलेशनशिप होता है उसको हम टॉर्जन में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और बायनॉर्मल क्या था, कि अगर ऑस्कुलेटिंग प्लेन है उसका जो भी नॉर्मल टेंजेंट पे जो भी परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे, या उसको नॉर्मल भी आप कह सकते हैं, वो हमारे पास बायनॉर्मल होता है। तो ये हमारे पास सेकंड सैरट फेरनेट फार्मूला है दैट इज़ रिलेटेड टू द डेरिवेटिव ऑफ बी डैश। अगर आप पहले वाले का देखें तो वो आर डबल डैश था, जो कि हमारे पास फर्स्ट फार्मूले को बात करें तो वो आर डबल डैश था जो कि डेरिवेटिव था टी डैश का, ठीक है। अब ये बी डैश है और नेक्स्ट डेफिनेटली हम देखेंगे कि एन डैश किसके इक्वल आता है। इसको देखने के लिए हम चलते हैं, पहले हम एक ट्रिवियल डॉट प्रोडक्ट लेंगे जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर। यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि किसी भी वेक्टर का अगर हम उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, सेम वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, वन के इक्वल आता है। अब हमारा जो टारगेट है वो डी बी बाई डी एस है। आपको पता है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी डैश फाइंड आउट करना है, तो हम डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन का क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एस, इन दोनों साइड्स को जो है वो हमने विद रिस्पेक्ट टू एस डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड वाला एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। अगर आप देखें तो डॉट प्रोडक्ट आपस में क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। ए डॉट बी लिख लें या फिर बी डॉट ए लिख लें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एस है, तो इसको हमने बी डैश डॉट बी कह दिया और प्लस बी इंटू बी डैश कह दिया, क्योंकि ये हमारे पास कम्यूटेटिव होती है। तो अगर हम इसको जो है वो प्लेस चेंज भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टू टाइम्स बी इंटू बी डैश आ गया। अब टू तो जो है वो स्केलर है, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, बी इंटू बी डैश इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, इट मीन्स उनके दरमियान एंगल जो है वो पाई बाई टू है, और क्योंकि ये हमारे पास इक्वल टू आ जाता है कि मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा तभी जीरो आता है जब हमारे पास इनिशियली थीटा क्या हो, पाई बाई टू हो। तो ये दोनों आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो बी डैश और बी आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है।
therefore b dash is equal to b, so b dash is perpendicular to b आ गया, therefore b dash. अब हमें पता है कि ये बायनॉर्मल है और बायनॉर्मल के जो परपेंडिकुलर होता है वो टी भी होता है और एन भी होता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारा टारगेट जो है वो किसको इन्वॉल्व करना है, एन को हम इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, बी डैश. जब बी डैश बी के परपेंडिकुलर है और बी के जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास टी भी होता है, एन भी होता है, यहाँ पे हम एन को यूज़ करते हैं. इट मीन्स जब ये इसके परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर एन होता है. तो ये दोनों सेम लॉजिक जो हम प्रीवियस लेक्चर में यूज़ कर चुके हैं, बी डैश जो है वो एन के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. जब ये पैरेलल होगा के तो इनके दरमियान क्या आएगा, एक स्केलर मल्टीपल इन्वॉल्व होगा, ठीक है. एक स्केलर मल्टीपल हमारे पास इन्वॉल्व होगा, उसको हमने बी वेक्टर इज इक्वल टू कह दिया. बी डैश इज पैरेलल टू एन है तो यहाँ पे हम कह देंगे कि बी डैश इज इक्वल टू, हम इसी की मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, डी बी ओवर डी एस मैग्नीट्यूड इंटू एन. यहाँ पे जो है ये बी डैश है, ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाता है. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो बी डैश हमने रिजल्ट शो करना है वो हमने शो करना है माइनस टॉ एन. अब n तो हमारे पास इन्वॉल्व हो गया, इट मीन्स हमने इसको किसी तरह से जो है वो माइनस टा के इक्वल शो करना है. इसको इक्वल शो करने के लिए हम कुछ लिमिटिंग पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है. वो किस तरह से यूज़ करेंगे हम इसको देखते हैं. इसको पहले नंबर पे तो हमने इक्वेशन नंबर वन का नेम दे दिया ताकि बाद में अगर हमें इसमें वैल्यू इसी में रिप्लेस करनी है ना तो फिर हमारे लिए ईजी हो सके. अब जिस तरह से पहले हमने डिस्कस किया था उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं. फॉर सपोज ये हमारे पास वेक्टर बी है और ये उसके नेबरिंग पॉइंट पे वेक्टर बी प्लस डेल्टा बी है, ठीक है. ये हमारे पास ये आ गया, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा बी आ गया, ये आर्क में चेंज डेल्टा एस आ गया और ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास क्या था, डेल्टा थीटा. इसको हमने लिख दिया, इसको ए का नाम दे दिया, इसको ई का और इसको एफ का. यहाँ पे ए ही हमारे पास बी के इक्वल है और ये हमारे पास बी प्लस डेल्टा बी के इक्वल है और ये डेल्टा बी के इक्वल है और इनके जो दरमियान एंगल है वो डेल्टा थीटा के इक्वल है. अब बायनॉर्मल जो है उसको हमने यूनिट बायनॉर्मल भी कहा था, इट मीन्स ये भी बी है और ये भी बायनॉर्मल है. दोनों की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वन के इक्वल आ जाएगी. देयरफॉर द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा बी मैग्नीट्यूड. अब अगर हम डेल्टा बी के मॉड की बात करें तो लिमिट जब डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो होता है इसकी जो वैल्यू होगी सेम एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा. ये क्यों सेम होगी, क्योंकि हमने पहले सैरेट फ्रेनेट फार्मूला में एल इज इक्वल टू आर थीटा के नाम से एक रिजल्ट यूज़ किया था, उसमें रिप्लेस किया था. तो एट द एंड हमें ये पता लगा था कि ये जो वैल्यू है ये एंगल आर जो है हमारे पास वन है और एंगल यहाँ पर जो है वो डेल्टा थीटा था, एल यहाँ पर डेल्टा बी है, डेल्टा बी मैग्नीट्यूड. ये किस तरह से यहाँ पे एल है, क्योंकि लेंथ की बात हम करते हैं और यहाँ पे जो लेंथ है वो हमारे पास डेफिनेटली इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी. इट मीन्स दैट कि डेल्टा बी मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल आ गई, डेल्टा थीटा के इक्वल आ गई. अब जो हमने रिजल्ट एस्टेब्लिश किया था बिल्कुल स्टार्ट में, जो कि हमने पैरेलल की प्रॉपर्टी यूज़ की थी किसके दरमियान, बी डैश और बी के दरमियान में पैरेलल की प्रॉपर्टी यूज़ की थी. हमने कहा था कि बी डैश हमारे पास आ जाता है डी बी बाय डी एस मैग्नीट्यूड इंटू एन. अब यहाँ पे जो डी बी मैग्नीट्यूड हमारे पास आई है वो तो डेल्टा थीटा आ गई है. इसको यूज़ करते हुए हम इसका प्रूफ करते हैं. अब यहाँ पे देखें तो ये चीज़ हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, तो ये तो हमारे पास टा की डेफिनेशन है. अगर हम इस चीज़ को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, हमने यहाँ पे रिप्लेस किया डी बी मैग्नीट्यूड जो कि अभी हमने प्रूफ किया कि ये डेल्टा थीटा के इक्वल है, तो यही चीज़ हमने जब यहाँ पे रिप्लेस की तो ये तो हमारे पास टॉर्जन की डेफिनेशन बन गई, क्योंकि वो यही बताता था आर्क रेट ऑफ रोटेशन. टॉर्जन क्या था, आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बायनॉर्मल, ठीक है. तो ये सेम उसी पैटर्न पे हमारे पास ये आ जाता है, टॉर्जन आ जाता है. जैसे जैसे हमारे पास थीटा चेंज होता है वैसे वैसे हमारे पास आर्क भी चेंज होती है और बायनॉर्मल भी चेंज होता है. इसको हमने प्लस माइनस टा का नाम दे दिया और यहाँ पे जहाँ पे डी बी बाय डी एस मैग्नीट्यूड है
ये हमें पता है कि डी बी हमने अभी शो किया है कि ये डेल्टा थीटा के इक्वल है, तो ये प्लस माइनस टा एन आ गया। अब हम देखते हैं कि प्लस माइनस का यहाँ पे क्या लिंक है। द नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट इफ़ टा इज़ पॉजिटिव देन डी बी बाई डी एस एंड एन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर तो ये पॉजिटिव होता है तो ये आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अगर तो ये नेगेटिव होता है तो ये आपस में सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो जो हमारे पास हमने प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी साइन ले लेंगे और उसको कह देंगे कि ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में है उस साइन के अकॉर्डिंगली या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। यही हमारा सेकंड रिजल्ट था सेरेट फ्रेनेट फार्मूला का। इसके बाद हम इसका थर्ड रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।